बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जो है एग बॉयल हो रहे हैं और मैं चेक कर रही थी कि हो रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन गर्म होने शुरू हो गए तो हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पोटैटो भी बॉयल कर रही हूँ और राइस भी मैंने भिगो के रख दी है। तो जब सबसे पहले जब मेरी मेट काम करके जाती है, घर वर साफ़ हो जाते, तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ और इसमें चंद कतरे में यानी इसके ड्रॉप्स के वो जो होते हैं इतर के डाल के, और सारे घर के पंखे और फैन जो हैं वो मैं ऑन कर देती हूँ और सब यानी कमरे खोल के, तो पूरा घर माशाल्लाह से महक जाता है और बहुत यानी अच्छी स्मेल आती है, शाम तक आती रहती है, तो बड़ी अच्छी वाइब्स भी आती हैं और अच्छा लगता है घर महका महका सा। तो यहाँ पर फिर आ जाते हैं वापस अपने किचन में, और किचन में जब हम आए हैं तो अंडे बॉयल हो चुके हैं और उनको मैंने जार में रख के जो हिलाया है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही हिला दिया, जज्बाती होकर बेचारे चूर चूर हो गए हैं। तो खैर अब इनको छीलते हैं किस तरह से होता है ये। और यहाँ पर सालन बन रहा है, सालन अंडे आलू का बन रहा है, तो अंडे आलू का सालन उसी तरह बनता है, प्याज और सब चीज़ें डालते हैं ऑयल में, लहसुन अदरक धनिया हल्दी मिर्च गर्म मसाला नमक ये सब डाल के भून लेते हैं, उसके बाद दही डाल के भून लेते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा पानी डालते हैं शोरबे का और फिर अंडे और आलू डाल देते हैं, और जो ये हमारा पक्के तैयार हो जाता है मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन। उसके बाद आ जाते हैं, फिर बारी आ जाती है कि हम दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं। हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं बिरयानी, और यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई गोश्त रखा हुआ था, दो तीन दिन पहले मैंने बनाया था, ये किसी मेहमान ने आना था और वो नहीं आ सके थे, तो फिर ज़ाहिर अब इतना सारा कढ़ाई गोश्त तो हम लोग नहीं खा सकते थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसके आज बिरयानी बना देते। तो दो एक चम्मच भर के मैंने इसमें बिरयानी मसाले का डाल दिया था, और कढ़ाई गोश्त के में तो वही सब मसाला था जो डलता है, टमाटर भी थे, हरा धनिया सब मिर्चे विर्चे सब चीज़ें थी, तो और कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। हरी मिर्ची और आलू बुखारे मैंने इसमें डाले, चावल बॉईल करके इसमें डाल दिए फिर, और इसके बाद जो इसको अच्छा सा दम लगा दिया। दम लगाते वक्त मैंने एक आधा टीस्पून जो है मैंने बिरयानी शान मसाले का फिर इसके ऊपर डाल दिया था, और ब्राउन प्याज डाल दी, लेमन डाल दिया, कलर डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और फिर इसको जो है हाँ आलू मैं बिल्कुल भूल गई थी और अभी भी मैं भूल रही हूँ, तो मैंने जो बॉयल किए थे आलू आधे तो मैंने आलू अंडे के सालन में डाल दिए थे और आधे मैंने इसमें डाल दिए थे, और ये मैं एसेंस डाल रही हूँ उसका बिरयानी मसाले का, और जो ख़त्म हो चुका है आज, और तो फिर मैंने थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया था इसमें, दो ड्रॉप सिर्फ, और ये इतनी मज़ेदार माशाल्लाह से बिरयानी बनी थी कि बस क्या ही कहूँ मैं, अपनी तारीफ़ किस तरह करूँ, तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी। वैसे तो आप शक्ल देख के भी बता सकते हैं कि कैसी बनी थी। अच्छा जनाब, इसमें बस ये आलू जाएंगे और फिर दम पे मैंने इसको रख दिया था बिल्कुल हल्की आँच पे, और मेरे ख्याल से 20 मिनट रखा था मैंने इसको दम पे, क्योंकि खाने वाले सब नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, कोई कहीं गया हुआ था, मैंने भी इतनी देर में नमाज़ पढ़ ली थी, तो बस इतनी देर में इसको अच्छा सा दम लग गया था। फिर हम लोगों ने इसको लंच में हमने खाया है, और आलू अंडे का जो सालन था वो हमने डिनर में खाया, क्योंकि ज़ाहिर एक ही चीज़ खा सकते थे एक वक्त में, तो मैंने कहा चलें बिरयानी इस वक्त खा लेते हैं लंच में, और जो है आलू अंडे का सालन हम रात में खा लेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह से इतना काम हुआ है इस किचन में, दो दो यानी चीज़ें बनी हैं, लेकिन जब किचन से निकलना है, ये बिल्कुल नई बच्चियों के लिए जो किचन में पकाना सीख रही हैं या जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं और वो अपना घर में काम कर रही हैं, तो ये उनके लिए टिप है कि ज़रूर किचन को साथ साथ साफ करते रहें, और जब किचन से निकलें तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके निकलें, क्योंकि अब दूसरे वक्त भी हमें ही जाना होता है ना उस किचन में, तो फिर गंदे वंदे किचन में जाना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको साफ़ सुथरा करके निकलती हूँ, और तो मैं आपको भी ये यानी बता रही हूँ कि ये एक नसीहत है छोटी बच्चियों के लिए। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ वापस, और वापस आके फिर जब मैंने अपने चावलों में से यानी उनको से लेट उठाया, और फिर मैंने इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा यानी हिलाया जुलाया, तो माशाल्लाह से इतने अच्छे मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। और ये बिरयानी हमने बनाई थी कढ़ाई गोश्त से, है ना, ये भी याद रखिएगा कि बाकायदा यानी बिरयानी का मसाला, बिरयानी के लिए गोश्त नहीं था, सिर्फ कढ़ाई गोश्त हमारे पास रखा था लेफ्ट ओवर, उससे ये मज़ेदार से बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है।
तो बस अब हम इसको एंजॉय करेंगे। तो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।